हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में जैसे कि हम चार्ट ऑफ द वीक की हमेशा बात करते हैं, चार्ट ऑफ द डे भी की भी बात करते हैं, तो चार्ट ऑफ द वीक यहां पर आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर साथ ही 40% और मोर देन 40% के रिटर्न मिलते हैं। एक बेहतरीन डेट फ्री कंपनी, एक ऐसी कंपनी जहां पर आपका जो अगर आप ग्राफ देखेंगे, एक जो ग्राफ होना चाहिए कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, मतलब जो अर्निंग का रेशियो है वो हमेशा बढ़ना चाहिए, वो बढ़ने का रेशियो यहां पर दिखाई देता है, वहां पर नेट प्रॉफिट का रेशियो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे, कौन सी कंपनी है उससे रिलेटेड बातें कर देता हूँ। तो कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड है, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, इससे रिलेटेड आज बातें करेंगे। इसके चार्ट पे बात करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है और इसके बाद यहाँ पर और भी चीजें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको वीडियो मिले, आप यहां पर देखिए और सीखिए, समझे। और जितना आप देखेंगे, जितना आप सीखेंगे, जितना समझेंगे, याद रखिए पैसा उतना ज्यादा बनता हुआ दिखाई देगा। स्टार्टिंग में बेशक से ना बने, बट जितना टाइम आप मार्केट में रहेंगे और देंगे तो आप भी एक बेहतरीन हस्तियों में शामिल होंगे, जहां पर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी, आपके बच्चों को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पर डेली वीडियोस डाली जाती है, जाके देखिए। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करना है और हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठाना है तो ये पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा, हमारा आपका सपोर्ट करेंगे। तो जितनी नॉलेज मेरे पास है और जितनी नॉलेज मैं लूंगा आगे, सारी की सारी नॉलेज आपको ही यहाँ पर देना है मुझे, ओके? मैं इसे कहीं भी लेके नहीं जाने वाला। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कावेरी सीड्स। कावेरी सीड्स के लास्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए 573 के आसपास का ये शेयर चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 52 वीक हाई 17 मई को, मतलब एक साल पहले 816 रुपए का, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट हुई, ओके? और यहाँ पर 52 वीक लो भी बनाया 7 मार्च को, मतलब इसी महीने में इसने लो भी बनाया था 7 मार्च को 2022 में, और 467 रुपए का, और दोबारा चीजें ऊपर जाना शुरू हो रही है और यहाँ पर दोबारा यहाँ तक जाने का टारगेट सबसे पहले, और वो जो कि चार्ट में यहाँ पर बन भी रहा है, और उसके बाद यहाँ पर जो चीजें हैं और भी ऊपर जा सकती है वो चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए लगभग 46% की डिलीवरीज, 377,000 शेयर ट्रेड हुए थे, 173,000 शेयर यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पर लेके गए, डिलीवरी बेसिस पे यहाँ पर लेके गए हैं। कावेरी सीड्स करती क्या है उससे रिलेटेड यहाँ पर, बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो कावेरी सीड्स की अगर हम बात करें, is engaged into research, production, processing and marketing of various high quality hybrid seeds में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। एज वेल एज अगर हम बात करें लीडिंग सीड मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो सीड्स बनाने वाली कंपनी है उसमें ये यहाँ पर लीड में के रोल पे, एज वेल एज अगर हम बात करें इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर ऑफ 1986 में ये कंपनी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट होती हुई दिखाई दी थी, और इज अमंग द लार्जेस्ट क्रॉप सीड्स प्रोसीजर इन इंडिया विद प्रेजेंस अक्रॉस 22 स्टेट्स स्पेनिंग 12 एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी देखिए, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, ओके? हम यहाँ पर हरित क्रांति की बातें करते हैं और यहाँ पर जिस तरह की गवर्नमेंट है जहाँ पर किसानों को यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पर ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर हमें यहाँ पर सीड्स की जरूरत होती है क्रॉप को यहाँ पर उगाने के लिए, तो ये पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पर नजर आएगी। 12 स्टेट एज वेल एज 12 एग्रो क्लाइमेट जोन जो इंडिया की है उसमें ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात करें, 7 सीड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं इनके, एज वेल एज क्वालिटी कंट्रोल लैब अलॉन्ग विद द पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद 40,000 रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर बात करें यहाँ पर कंपनी बहुत बेहतरीन है, साथ इनके सीड प्रोसेसिंग प्लांट्स है, 40,000 की रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर अक्रॉस द कंट्री, और यहाँ पर बात करें 22 सिटीज में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। और वेयर हाउस की कैपेसिटी की बात करें तो 1,000,000 स्क्वेयर फुट अक्रॉस 6 लोकेशन इन इंडिया, यहाँ पर 6 अलग अलग प्लेसेस पे यहाँ पर 10,000,000 स्क्वेयर फुट की यहाँ पर इनकी कैपेसिटी है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ऑफर यहाँ पर ये कंपनी हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स जिसमें मेज, पैडी, कॉटन, सनफ्लावर, मस्टर्ड, सॉर्गम, पल्सिस, बाजरा, एनवीटी, ये सारे के सारे जितने भी इनके बीज आते हैं ये कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है। वेजिटेबल्स द कंपनी ऑफर्स टोमेटो, ओकरा, चिलीज, वाटरमेलन, गॉड्स एज वेल एज ब्रिंजल, जितने भी ये फल फ्रूट होते हैं उसमें भी कंपनी काम करती है।
अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को यहाँ पर कंपनी बढ़ा रही है, कंपनी एक्सपोर्ट सीड्स यहाँ पर कंपनी एक्सपोर्ट करती है इजिप्ट में, म्यांमार में, नेपाल में, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, पाकिस्तान, एंड साइजेबल पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द बांग्लादेश, मतलब इतना ही इतना इनका बांग्लादेश से अच्छा खासा यहाँ पर इनकी रेवेन्यू आती है। द कंपनी है शॉर्टलिस्टेड 9 कंट्रीज एज पोटेंशियल एक्सपोर्ट कंपनीज, इन्होंने 9 ऐसी कंट्री ऐसा चुन रखी है जहाँ पर ये अच्छे खासा एक्सपोर्ट करते हैं ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर, जहाँ अगले 4 से 5 साल में। कावेरी एम्स टू अचीव साइजेबल रेवेन्यू फ्रॉम द एक्सपोर्ट, मतलब जितना यहाँ पर इंडिया में से आता है उससे ज्यादा ही उतना ही बराबर लगभग यहाँ पर बाहर की कंट्री से आए अगले 4-5 साल में इनका एम है। इसके अलावा रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें, कॉटन से यहाँ पर इनका अगर बात करें 45%, मेज से यहाँ पर 21%, हाइब्रिड राइस से 13%, सिलेक्शन राइस से 10%, वेजिटेबल 4%, बाजरा से 2%, अदर से 5% का यहाँ पर आता है। R&D कैपेबिलिटीज भी इनके पास है और जो कि आप यहाँ पर एक बार जाएंगे तो आप यहाँ पर पढ़िएगा। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का और यहाँ पर फोकस ऑन नॉन कॉटन क्रॉप से भी रिलेटेड यहाँ पर ये अपना फोकस बनाए हुए, तो कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए, काफी बेहतरीन कंपनी है। इनकी वेबसाइट पर विजिट करिए तो आपको और ज्यादा चीजें यहाँ पर समझ में आएगी प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसमें फील्ड क्रॉप एज वेल एज यहाँ पर वेजिटेबल जो कि हमने यहाँ पर देख लिया, स्ट्रेंथ से रिलेटेड, कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको पता चलेगी। 13 कीज क्या है, टॉप 5 रैंक्स में कंपनी आती है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड कॉटन में कंपनी काम करती है, 30 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस एंड 10 लाख स्क्वायर फुट का यहाँ पर इनके पास, जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी है, मल्टीपल स्ट्रेटेजी लोकेशन यहाँ पर दिखाई देता है, मेट्रिक टन में कंपनी यहाँ पर प्रोडक्शन करती हुई दिखाई देती है, यहाँ पर आप देख के जा सकते हैं क्वालिटी एवरीथिंग यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। अच्छी खासी कंपनी है तो इसकी तरफ नजरें बनाइए। एज वेल एज कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 3,406 करोड़ मतलब 3,406 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है, 16 के पी पे कंपनी चल रही है और यहाँ पर इंडस्ट्री का पी 24 के आसपास है, तो यहाँ पर सस्ती कंपनी मिल रही है, डेट फ्री कंपनी मिल रही है, 52 वीक हाई से यहाँ पर कंपनी लो पे यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, ROCE ROE की बात करें 25-24% का जो कि सबसे बेहतरीन माना जाता है। कंपनी के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही यहाँ पर दिखाई देते हैं, 2 का फेस वैल्यू है इस याद रखिएगा, इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, इंट्रेंसिक वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द स्टॉक, इस चीज को भी याद रखिएगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें 2007 में शेयर आया था, उसके बाद एक अच्छी खासी जंप यहाँ पर देखी गई थी, आप देख सकते हैं लगभग 2015 में इसने अपना हाई बनाया था, 1000 के आसपास शेयर चलता था, अभी उसके अलावा 50% यहाँ पर लो पे शेयर चल रहा है, उसके बाद गिरावट और एक कंसोलिडेशन फेज याद रखिए 2016 से लेके अभी तक एक कंसोलिडेशन फेज पे चल रही है। अब इसके परफॉर्मेंस देखिए, चीजें ऊपर नीचे जाती है, स्मॉल कैप शेयर है तो यहाँ पर देखिए चीजें यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, बट कंपनी के अगर रिजल्ट अच्छे है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिजल्ट देखेंगे तो देखिए 2019 में यहाँ पर सेल्स देखे मार्च 2019 में 44 करोड़ रुपीस की थी, फिर 2019 में यहाँ पर जून में ही यहाँ पर अच्छी खासी सेल्स हुई लगभग 655 करोड़ रुपीस की, फिर उसके बाद यहाँ पर घटती हुई दिखाई दी और एक साइड बेस रेंज में यहाँ पर कंपनी काम कर रही है, मतलब कभी इनकी रेंज ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, इस तरीके का परफॉर्मेंस है। जून में देखे तो 682 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स होती हुई दिखाई दी है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर देखना पड़ेगा इनके अंदर जाके तो आपको पता चलेगी किस वजह से यहाँ पर इनकी सेल्स कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो यहाँ पर अभी भी देखेंगे तो ये तो पार्ट को यहाँ पर छोड़े तो यहाँ पर देखिए 102 करोड़ की सेल्स है जो कि क्वार्टरली और एनुअली बेसिस पर यहाँ पर सबसे हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास है जो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर हाईएस्ट एवर है। मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर 8.74% है जो कि क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर हाईएस्ट एवर है। जब यहाँ पर हाईएस्ट एवर क्वार्टरली और एनुअली बेसिस पर आ जाती है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो चीजें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है। और यहाँ पर देखिए कंपनी यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट की बात करें, नेट प्रॉफिट 9 करोड़ के आसपास है जो कि क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा कम है ओके, और ईयरली बेसिस पर बात करें वो भी यहाँ पर ज्यादा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्वार्टरली बेसिस पर कम क्यों है कि जो क्योंकि यहाँ पर अदर इनकम बीच में यहाँ पर इनकी डबल होती दिखाई देती है और अदर इनकम को यहाँ पर ज्यादा मानना नहीं चाहिए, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो आता है वो मायने रखता है। इसके अलावा ईयरली बेसिस पर बात करें तो कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस 2010 से लेके 2015 तक लगातार बढ़ा, जिसकी वजह से यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 2010 से 15 तक भागा। इसके अलावा चीजें दोबारा नीचे आती हुई दिखाई दी, तो यहाँ पर जब चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी तो इनका परफॉर्मेंस भी नीचे आता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पर शेयर का प्राइस नीचे आता हुआ दिखाई दिया और एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर चला, क्योंकि सेम यहाँ पर
क्या आ रही थी, और यहाँ पर रेवेन्यू आ रहा था, सेल्स आ रही थी, बट कंपनी का जो रेवेन्यू है अभी पिछले 2021 में हाई अच्छा खासा बढ़ा है, और पिछले 4-5 साल से अच्छा खासा आया है, और दो और यहाँ पर पिछले 12 महीने में भी अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है, और नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी अब देखिए अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2015 में 302 करोड़ का, अभी से बात करें 305 करोड़ का प्रॉफिट था, और अभी तक 12 महीने में 208 करोड़ का प्रॉफिट है, और धीरे चल कि शायद ये और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बन सकता है। रिजर्व्स बात करें, रिजर्व्स चीजें यहाँ पर देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही है, रिजर्व्स बढ़ रहा है, बोरिंग यहाँ पर कम हो गई है, 1 करोड़ की बोरिंग है कंपनी के पास, यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में 26 करोड़ है, जैसे यहाँ पर एड होगा तो और इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पर और चीजें यहाँ पर पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट 437 करोड़, कैश की बात करें 20 करोड़ का कैश भी है, और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए 57.44 से यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 0.28 से 0.44 कर लिया है, थोड़ी सी हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने बढ़ाई है। FIs की बात करें, FIs यहाँ पर देखिए FIs ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है लगभग 4% से ज्यादा की। DIs की बात करें, DIs ने हिस्सेदारी थोड़ी सी 4% कम करी है जो कि FIs ने यहाँ पर खरीद ली है। पब्लिक की बात करें, यहाँ पर 16.79% की हिस्सेदारी नजर आती है, और यहाँ पर 16.79 में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी बड़े बड़े लोग यहाँ पर शामिल होंगे, और धीरे धीरे यहाँ पर हिस्सेदारी कम हो रही है, और जो कि कम होने का मतलब है कि यहाँ पर शायद पीछे से कुछ ना कुछ अच्छा खासा हो सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी में। ये सारे के सारे इनके प्रमोटर्स हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे। चार्ट पैटर्न जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एक तो ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है ये शेयर, तो यहाँ पर ब्रेकआउट किस तरीके का ब्रेकआउट हो रहा है वो भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए शेयर, यहाँ पर देखिए यहाँ से एक छोटा सा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 589 मतलब 590 के आसपास ये शेयर यहाँ पर चल रहा था, और हाँ तो आज जो इसने प्रीवियस हाइट जो लगाया था 590, अगर ये 590 को यहाँ पर क्रॉस कर देता है तो याद रखिए एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो कि एक बार यहाँ पर भी आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, बार बार यहाँ पर अटक रहा है। अगर चीजें यहाँ से निकल जाती है तो सीधे यहाँ पर ये शेयर एक लेवल और बता देता हूँ, ओके, जो कि ये है लगभग 617 के आसपास, और एग्जैक्ट लेवल यहाँ पर बात कर लेते हैं, हाँ 617 को भी अगर ये क्रॉस कर देता है तो ओके, दो लेवल है, तो अगर इन्हें यहाँ पर ये क्रॉस कर देता है एक अच्छी खासी रैली होती हुई दिखाई देगी, जो कि यहाँ पर इस शेयर को यहाँ से तो सीधे 5%, और फिर यहाँ से अगर डायरेक्ट हम बात करें तो दूसरा लेवल इनका होगा 23% का, फिर इसके बाद जो यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है वो 34% के आसपास का आ रहा है, और इस लेवल को यहाँ पर आ रहा है 40%, तो यहाँ पर 40% तक के रिटर्न आपको मिल सकते हैं, और यहाँ पर से अगर इसने यहाँ पर क्रॉस किया तो एक लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है, जो कि इसे और भी ज्यादा ऊपर लेके जा सकता है। तो यहाँ पर अच्छे खासे, जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी है 2015 में यहाँ पर इनकी अच्छी खासी अर्निंग होती हुई दिखाई दी थी, जिसकी वजह चीजें यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, बट अगेन कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है। अगर इस क्वार्टर में के रिजल्ट और अच्छे आ जाते हैं, ओके, एक दो क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है यहाँ से भी ज्यादा 1000 रुपीज को भी यहाँ पर क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो कंपनी की अर्निंग पे ध्यान दीजिए, कंपनी के सारी चीजों पे यहाँ पर ध्यान देना होगा, और यहाँ पर ध्यान देंगे तो अच्छा खासा पैसा बनेगा, और वॉल्यूम को थोड़ा देखते जाइए, वॉल्यूम अगर धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गए तो यहाँ पर चीजें और ज्यादा अच्छी होती हुई नजर आएगी। तो मैं ज्यादा के टारगेट की बात नहीं करूंगा, मैं सीधे बात करता हूँ यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, अगर यहाँ पर ये जो यहाँ पर लेवल था 590 इसे क्रॉस कर देता है, 591-592 को यहाँ पर क्रॉस करता है, तो चीजें आपको सीधे 20% का प्रॉफिट 721 रुपए तक ये चीजें जाती हुई दिखाई दे रही है, ये राउंडिंग बॉटम यहाँ पर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऊपर जाती हुई चीजें दिखाई दे रही है, अच्छे खासे रिटर्न है यहाँ पर, रिजल्ट अच्छे खासे आ रहे हैं क्वार्टरली एनुअली बेसिस पे, तो यही चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, और एक बार जब टारगेट अचीव हो जाएंगे तो हम दोबारा बात करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर एक कप और एक हैंडल जब यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न की बात करेंगे, फिर इसका टारगेट 1000 और उससे ऊपर भी जाते हुए दिखाई देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके सपोर्ट करिएगा, आप सपोर्ट करेंगे हम भी यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। और एक चीज और बताना चाहता हूँ इस चार्ट पैटर्न से रिलेटेड, RSI 68.81 पे चल रही है, जो कि मुझे पूरा इंडिकेट कर रही है, ओके, जो मेरे हिसाब से ये शेयर यहाँ पर बूम करने वाला है, यहाँ से भागने वाला है, यहाँ पर देखिए 68 पे चल रही है, इससे पहले यहाँ पर 66 पे थी, उसे यहाँ पर क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पर ये लेवल और इस लेवल को भी अगर इसने निकाल दिया 617 रुपए के आसपास को, तो यहाँ पर 20-22% और 40% के रिटर्न मिलने ही मिलने हैं। तो सपोर्ट करिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।